बनाएंगे हम मूंग दाल का चीला। तो सबसे पहले मैंने दाल धुल ली थी अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, पांच छह हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 1 कटी हुई प्याज। मैंने बिग साइज़ प्याज ली है क्योंकि मेरी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपकी दाल की क्वांटिटी आप जितने ही जिस हिसाब से चीले बना रहे हैं उसी हिसाब से इसमें मिर्ची, धनिया, अदरक सब डालें। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी ताकि एक अच्छा सा कलर आए, और लाल मिर्च हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। अब हम इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाएंगे जार में डाल के। हमें ज़्यादा पतला भी पेस्ट नहीं बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, हमें इतना पतला बैटर बनाना है कि बस हमारे तवे पे वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, ना कि वो अच्छे से फैले। अब इसमें हम पानी डालकर अच्छे से इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें ताकि कंसिस्टेंसी आप परफेक्ट बनी रहे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा या पतला होगा तो आपका चीला अच्छे से नहीं बनेगा। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना भी आप खाते हो। और हम इसके बाद नमक डाल के इसको अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिला के आधे से 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि दाल और अच्छे से फूल जाए क्या? और हमारा चीला जो है एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। आप पेस्ट देख सकते हैं, पेस्ट नहीं है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, आपको पेस्ट फाइन पेस्ट ही रखना है। जब तक हम करेंगे इसकी स्टफिंग की तैयारी, हम सबसे पहले प्याज काटेंगे। मैं लंबी लंबी प्याज काट रही हूँ, आप चाहे तो चॉप भी काट सकते हैं, पर आप अगर लंबी प्याज काट रहे हैं तो आप इसको फाइनली चॉप कीजिए। हम इसमें पनीर की स्टफिंग करेंगे, आप चाहें तो आलू की भी कर सकते हैं या फिर किसी और भी चीज़ की कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। और आप चाहें तो बिना स्टफिंग के भी इसको खा सकते हैं। आप बिना स्टफिंग के भी बनाएंगे तब भी आपको इतना ही टेस्टी और यमी लगेगा। मैंने प्याज काट ली है, मैं इसमें कोई भी और भी सब्ज़ी ऐड नहीं करूँगी, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा क्वान्टिटी में ली है। मैं 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए उनके हिसाब से आप जितने लोगों के लिए बनाएं आप उस हिसाब से लें। अब हम पनीर को अच्छे से मैश करेंगे, हम बिल्कुल इसको अच्छे से मैश करेंगे। इसमें पनीर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से मैश हो चुका है, ताज़ा पनीर है इसलिए जल्दी मैश भी हो गया। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक, जो हम अपना थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने चिली में ऑलरेडी नमक डाला है, इसलिए सिर्फ हम इतना नमक डालेंगे जितना हमें पनीर में रिक्वायर्ड है। उसके बाद मेरे को चिली फ्लेक्स रखी थी तो मैंने वो ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें ऑरिगेनोज भी मिला सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह डालकर इसमें स्टफिंग कर सकते हैं, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ इसमें प्याज मिलाई है, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा क्वान्टिटी में ली है। और हम पनीर के साथ अब सारी प्याज मिला देंगे जो हमने पहले ही काट कर रखी थी, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी पनीर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी प्याज और पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम करते हैं अपने चीले बनाने की तैयारी। आप इसको बिल्कुल ही अच्छे से मिलाएं वरना पनीर नीचे रह जाएगा और प्याज ऊपर रह जाएगी, इसलिए जब भी आप इसको मिक्स करें तो बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। इससे करो तो मुझे कुछ करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पनीर और प्याज बिल्कुल अच्छे से हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं चीला बनाने की तरफ। मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन, इसको हम हीट करेंगे। जब तक ये हीट नहीं होगा हम इस पर बैटर नहीं डालेंगे। अब
अब हमारा तवा गरम हो चुका है, तो हम इस पे तैयारी करेंगे बैटर डालने की। देखिए मैंने चेक कर लिया, ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इस पर बैटर डालेंगे, ना ही ये ज़्यादा गरम है ना ही कम गरम है, हमारा तवा जितना गरम होना चाहिए था उतना गरम हो चुका है। अब हम इस पर बैटर डालेंगे अपना। आप जितने पत्ता चीला बनाना चाहते हैं उतना कम बैटर डालिए, और अगर आप मोटे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बैटर ज़्यादा डालिए। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रेड करेंगे ताकि ये कहीं से टूटे ना, और बिल्कुल राउंड बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया। जैसे ही हमारा चीला स्प्रेड हो जाएगा हम अपनी गैस की फ्लेम तेज कर देंगे, तभी हमारे चीले जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब हमारा चीला जो है वो ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो बटर में भी सेक सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि तेल कितने अच्छे से सिजल हो रहा है। हम इसको जब हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इतना ब्राउनिश होगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। अगर हम इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। फिर अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। हम दूसरी साइड भी इसको 1 से 2 मिनट ही सेकेंगे, सिर्फ कलर आने तक। अब इसमें अच्छे से कलर आ चुका है, इसलिए हम इसको पलटेंगे और करेंगे इसकी स्टफिंग जो हमने तैयार की हुई थी पहले ही। अब हम वही स्टफिंग इसमें फिल करेंगे। स्टफिंग फिल करने के बाद हम इसको करेंगे फोल्ड। अगर आप चाहें तो इसको रोल भी कर सकते हैं, मैंने इसको सिंपली डोसे की तरह फोल्ड किया। आप चाहें तो इसको रोल कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल में बना सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। और हमारा तीला बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और सॉफ्ट बना हुआ है और कितना ब्राउनिश है। अब हमने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम बनाएंगे ऐसे ही दूसरा चीला भी बनाकर तैयार करेंगे। और जब भी आप चीला बनाएं नॉन स्टिक पे, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हम इसमें ग्रीसिंग नहीं करेंगे। अगर हम इसमें चीला बनाने से पहले ही तवे पे ऑयल लगा देंगे तो आपका बैटर स्प्रेड नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा तवा जो है वो नॉन स्टिक है। अगर आप नॉन स्टिक के अलावा किसी भी तवे पर बना रहे हैं तो उसमें ऑयल ऐड करें। अगर आप नॉन स्टिक पर बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करना है। बैटर डालने के बाद ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम अपना दूसरा चीला भी अच्छे से पलटेंगे। आप देख सकते हैं ये ना ही चिपक रहा है, अच्छे से ब्राउन हो गया है, ना जला है। अब हम इसमें भी अपनी स्टफिंग फिल करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और करेंगे अपनी प्लेटिंग की तैयारी। अब हम इसमें प्लेटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और टमाटर की चटनी से भी खा सकते हैं, कैचअप से भी खा सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे खा सकते हैं। मैंने हरी चटनी बनाई थी और कैचअप, मैंने उसी के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी, मीठी चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ भी डोसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये हमारे क्रिस्पी मूंग दाल के चीले बनकर तैयार हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड आप बताइए मैं और किसकी रेसिपी बनाऊँ, कमेंट में मैंशन कीजिए। थैंक यू, बाय।